ये हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 130 चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, अ नीडल ऑफ सेविंग मशीन मूव्स अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। जो एम्पलीट्यूड है वो किसका है, उसका 4 सेंटीमीटर है, विद फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, यानी एन दिया है 5 हर्ट्ज। तो हमको क्या करना है बच्चों, हमको निकालना है ऑसिलेशन जब इसका टाइम दिया हो 1/30 सेकंड दिया हो, यानी वो मीन पोजीशन से 1/30 सेकंड जब क्रॉस कर लेता है तो उस टाइम पर उसका क्या एक्सीलरेशन रहेगा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं डेटा। तो एम्पलीट्यूड लिख लिया अपन ने 4 सेंटीमीटर, एन इज 5 हर्ट्ज, टी इज 1/30, ये आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं सबसे पहले फॉर्मूला, एक्सीलरेशन इज -ω² x, ये फॉर्मूला होता है। अभी मुझे यहां पर क्या नहीं पता है, यहां पर मुझे ना तो ओमेगा पता है ना ही एक्स पता है, तो मैं क्या करता हूं दोनों के फॉर्मूले लिख लेता हूं सबसे पहले मैं। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू पाई एन होता है। अब यहां पर जो है बच्चों, एन की भी वैल्यू पता है, पाई की भी वैल्यू पता है, टू की भी वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहां पर ओमेगा कितना आता है, 10 पाई आ जाता है। ठीक है, अब मुझे मिल गई है ओमेगा की वैल्यू, अब मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं, एक्स का फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है। टाइम पीरियड पता है, ओमेगा पता है, ए की वैल्यू पता है, तो एक्स की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो निकाल लेता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब ये साइन पाई बाई थ्री यानी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ये डाल देते हैं। तो x की वैल्यू कितने आ गए बच्चों, x की वैल्यू के 2√3। अभी मुझे बताओ, एक्सीलरेशन में हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई है, x की भी वैल्यू मिल गई है, सभी वैल्यूज हम इक्वेशन में डाल देते हैं तो हमें इस तरह का इक्वेशन मिलता है। अब तो बेटा हमको भी पता है कि √3 कितने होते हैं, 1.77 होती है। ये वैल्यूज अगर हम डाल देंगे, 3.14 को हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया, 9.86, ये आ गया है। आगे बढ़ते हैं, और अब बात है भैया इसको सॉल्व करने की, तो कितना आ गया, 3415 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्योंकि हमने सभी वैल्यू जो सेंटीमीटर में ली थे, तो हमारे जो आंसर क्या आ गया, एक्सीलरेशन, वो भी सेंटीमीटर में आ गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक्सीलरेशन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इजी सवाल था, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।